अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और डिफरेंट और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, चॉकलेट मार्बल केक की। और इसके लिए मैंने ना तो बटर यूज़ किया है, ना अवन यूज़ किया है और ना ही एग यूज़ किया है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मॉल लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसको ब्रश की मदद से पूरे मॉल पर ऑयल लगा लेंगे और इसके अंदर मैदा छिड़कर उसको ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर या पार्शल पेपर है आप वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए है कोई सा भी पॉट, कोई सा भी बर्तन ले लें। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई ली है और इसके अंदर एक स्टैंड रख लें। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई सा भी ढक्कन जो है उल्टा करके रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है। अब इसको मैं 10 मिनट्स के लिए नॉर्मल फ्लेम पर प्री हीट करूँगी। उसके बाद मैंने ब्लेंडर लिया है और ब्लेंडर के अंदर 1 कप जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप चीनी, 1 कप दूध। अब सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे 2 मिनट्स के लिए। ब्लेंड करने के बाद मैं बैटर को बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 कप मैदा। थोड़ा थोड़ा बैटर मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करें और इसके अंदर शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून लेमन जूस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वो 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो कम्बाइन हो जाए और इसमें कोई लम्स ना रहे। हम बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक हिस्से को सादा छोड़ देंगे और एक इसके हिस्से के अंदर 2 टीस्पून कोको पाउडर जो है वो शामिल कर रही हूँ। अब सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बैटर को मोल्ड में शिफ्ट कर रही हूँ। इस तरह से आपने मोल्ड में शिफ्ट करना है। पहले आपने 1 टेबलस्पून जो है वो वनीला का डालना है और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर चॉकलेट वाला डालना है। इस तरह आपने 1 बाय 1 डालते जाना है। इस तरह से एक ही केक में आपको 2 फ्लेवर्स जो है वो मिल जाएंगे, कोको फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर और वनीला फ्लेवर। इस तरह से आपने 1 बाय 1 उसको डाल देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब टूथपिक की मदद से इस तरह से आपने इसका फ्लावर जो है वो ड्रॉ कर लेना है। एक लाइन ऊपर से खींचनी है और एक नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरह से आपने इसको फ्लावर बना लेना है। ये देखें बैटर जो है वो तैयार है। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। अब इसको हम बेक करेंगे 35 to 40 मिनट्स के लिए नॉर्मल फ्लेम पर। अगर आप बेकिंग ओवन में बना रहे हैं आपको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 to 35 मिनट्स का इसको बेक करना है। बेक का टाइम जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम चेक करते हैं। टूथपिक की मदद से इसको चेक करूंगी। ये देखें केक जो है वो परफेक्ट बेक हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट केक जो है मार्बल केक बना है। इसको मैं काट के आपको दिखाती हूँ। वेरी सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी केक बना है। इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।